थ्योरम 7.3, कॉन्वर्स ऑफ 7.2। ये थ्योरम है 7.2 की, कॉन्वर्स है अपोजिट। स्टेटमेंट हमें दिया है कि द साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब यहाँ पे जो साइड्स ए बी और ए सी ये इक्वल है, ये प्रूफ करना है। और एंगल बी और एंगल सी इक्वल दिए हैं, तो यहाँ लिखेंगे गिवन इन ट्राइंगल। इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल? ए बी सी में क्या दिया है हमें? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये गिवन में है। और टू प्रूव क्या करना है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ ये प्रूव में क्या करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये प्रूव करना है। और कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम? कंस्ट्रक्शन में करेंगे कि जो है ए डी, यहाँ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगी, ये जो है ए डी जो है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी, और ये जो डी है वो बी सी पर इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे कि ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट बी सी एट डी। ये तो प्रूफ में हम देखते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पर, तो हम सिंस लिख देंगे। सिंस ए डी इज़ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये अभी जस्ट हमने कंस्ट्रक्शन में किया था। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो जो है एंगल जो हो जाएगा, एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल इसको डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ये डी ए सी। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं? इन ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्राइंगल, ये रहा ए बी डी, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ये ए सी डी में क्या है हमें? इसमें सबसे पहले तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल दिया है, तो ये लिख दीजिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। यहाँ पे क्या लिख देंगे? गिवन, ये गिवन में हमें। उसके बाद में ये एंगल तो ये वाला एंगल, ये दोनों ये एंगल और ये एंगल किसके इक्वल हो गए? ये कंस्ट्रक्शन से ये इसको हमने दे दिया है। ये यहाँ पे लिखा है डी ए बी, ये डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। यहाँ से तो लिख देंगे एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसा भी लिख सकते हैं या बाय कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये रीज़न लिख देंगे यहाँ पर ये। अब उसके बाद में क्या बचा हमारे पास में? इसमें उसके बाद में हम लिख देते हैं ये ए डी, ए डी कॉमन हो जाएगा, ए डी ए डी, ये ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये हो जाएगा कॉमन, ये कॉमन हो गया इस प्रकार से। तो क्या लिखेंगे? तो देयर फोर क्या हो जाएगा? ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल? ये रहा ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? ए सी डी, ए बी डी ए सी डी। और रीज़न क्या रहेगा? बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी। ये तो हमें जो प्रूव करना था, हमें क्या प्रूव करना है? हमें जो प्रूव करना है यहाँ पर कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो यहाँ जाएगा जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या लिख देंगे हम? ए बी इज इक्वल टू ए सी यहाँ पे। और रीज़न क्या लिख देंगे? बाय सीपीसिटी, ये हो जाएगा बाय सीपीसिटी। और हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। इस प्रकार से जो स्टेटमेंट जो था, मैं थ्योरम जो थी हमारी
7.3 जो क्या थी कि द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। तो ये जो एंगल, जो दोनों एंगल इक्वल थे, तो हमने AB इज इक्वल टू AC प्रूव करके दिखा दिया।